हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं करा रहा हूँ क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने 1 to 5 मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये क्वेश्चन करने के पहले जो भी हमारे चैनल पर नया आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, देखते हैं कैसा कैसा क्या करना क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें करना क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए बिल्कुल सही से। 6 के फर्स्ट जो ए क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो देखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए में करना क्या है, जो फिगर तो यहाँ पे है तो मैं फिगर ड्रा नहीं करता हूँ। इसका आप नाम लिख सकते हो, ए बी सी और ए डी। अब देखिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल्स है। मैंने कल वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर क्वाड्रिलेटरल्स होता है तो क्वाड्रिलेटरल टोटल है 4 साइड, तो अगर 4 साइड्स है तो एंगल कितने के होंगे, 360 के होंगे। क्यों निकालेंगे, तो आपको पता है ना कि एन बाई टू और मल्टीप्लाई करते हैं 180 से। एन क्या था, नंबर ऑफ साइड, तो क्वाड्रेटर में कितने टोटल साइड, 4 होते कितने होते हैं, 4 में से क्या 2 मल्टीप्लाई किया 180 से, तो 180 ये और 2 होगा ये वाला, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, तो हो गया 360। मीन्स क्वाड्रेटर में कितने होते हैं एंगल्स, 360 होते हैं टोटल एंगल्स। तो यहाँ पे हमें 4 एंगल होते हैं, 1 2 3 4। अगर 4 एंगल हैं, एक हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 50 + 130 + 120 प्लस का एक्स इक्वल में 360। यहाँ पे अब लैंग्वेज लिखिएगा क्या, कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स इज 360। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। यहाँ पे यहाँ इसके ऊपर भी ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल 360 होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ लिखे ना, या फिर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स इज 360, ठीक है। अब देखिए इस सबको ऐड करना है, तो ये देखिए 50 तो ये हो गया और 120 ये है, 120 ये, 130 कितना, ये जो 250, ये कितना हो गया 250, तो 50 तो ये वाला हो गया और 250 ये हो गया। 130 + 120 कितना होता है, 250 हो गया, 150 हो गया, प्लस का एक्स है इक्वल 360 है। इधर अब ऐड कीजिए कितना का 50, आइए 300 + x = 360, तो एक फिर कितनी आ गई यहाँ से 60 डिग्री आ गई। ये किसमें था, प्लस में, इधर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। 360 हो जाएगा कितना, 300 बचा कितना, 60 हो गया। अब देखते हैं बी में क्या है, बी में आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, ये भी कितने हैं, 4 साइड्स के हैं। अच्छा ये 90 है कि नहीं है, अगर माने एक लाइन मैंने ड्रा किया इधर, देखिए अगर ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होता है ना, जैसे यहाँ सेम कंडीशन। अगर ये 90 है इधर भी क्या होगा, 90 होगा। इसी में 90 का सिंबल, सिंबल किस चीज़ का है, 90 का। अगर इधर 90 तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ऐसे होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे एक 90 हो गया और एक 60 हो गया, एक 70 हो गया और एक x हो गया, 1 2 3 4 है। अगर 4 होता है तो सम कितने होते हैं, 360, जो ऊपर मैंने अभी किया था। और जहाँ पे भी तो देखिए साइड 4 तो एंगल भी 4 होगा, अगर एंगल 4 हो गया, 4 का सम कितना होता है, 360 होता है। अब क्या कर सबको ऐड करना है, तो 90 और 60 कितना होता है, 150, कितना 150। अब 150 में क्या करना है, 70 को ऐड करना, कितना होगा, ये हो जाएगा 220 + x, ये होगा 360। तो 360 - 220 तो 140 डिग्री हो जाएगा आंसर। बस क्या करना है, सही से कैलकुलेशंस पे ध्यान देने हैं और यही काम करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी का। सी में क्या कर रहा है, देखिए सी में ये फिगर दिया हुआ है, 1 2 3 4, एक नीचे कितना है, 5 टोटल है, टोटल कितने साइड है, टोटल टोटल है 5 साइड। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कितना है, 70 है। यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ बिल्कुल, ये सिंपल वाला, ये नीचे वाला लाइन वाला जो है, ये वाला सिर्फ ये लाइन जो है, अगर ये 70 है तो इधर का एंगल कितना होते हैं, 180 होता है कि नहीं होता है, ड्यू टू लिनियर पेयर। अब यहाँ पे नाम लिख देता है, इसको लिखता हूँ वाई, इसको लिखता हूँ मैं जेड। देखिए 70 + y 180 हुआ कि नहीं हुआ, लीनियर पेयर होता है, तो जगह 1 1 10,
1 1 1 0 हो जाएगा वाला एंगल। दोबारा बता रहा हूँ, इस तरह का जो ये पार्ट है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ये 70 था, तो इधर का एंगल कितना होगा, 1 1 0 होगा कि नहीं होगा, क्यों कि दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, इसका और इसका सम कितना होता है 180 के बराबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू लीनियर पेयर। तो ये था प्लस में, इधर क्या में आएगा माइनस में, 110 तो ये भी होगा 110, सेम इधर भी करना इस साइड के लिए, ये 60 है ये जेड है, तो जेड प्लस 60 होगा 180, ये जो लाइन लिखा है मैंने वही सेम लाइन यहाँ भी आएगा, और यहाँ भी लिखना ये कितना है 60, इधर कितना आएगा 120 होगा कि नहीं होगा, होगा ना 120, क्यों क्योंकि ये क्या था, ये था प्लस में, इधर क्या में आएगा माइनस में हो गया, तो वाई जेड पता, देखिए अब 1 2 3 4 5 पेंटागन हो गया, तो अगर पेंटागन है तब कितना एंगल्स होगा, ये रहा फॉर्मूला एंगल निकालने का, अगर साइड्स पता है तो एंगल निकलेगा ना, साइड कितने टोटल है, पेंटागन है ना तो 5 होते हैं पेंटागन में 5, तो 5 में से 2 गया मल्टीप्लाई करना 1, ये कितना होगा 5 में कितना गया 2, जगह 3, 3 से करते गए मल्टीप्लाई, तो 18 54 540 हो जाएगा, यानी इस यहाँ पर कितने टोटल, इसमें कितना होगा टोटल एंगल, इसमें होंगे टोटल एंगल 540 का। देखिए तो कितना है, देखिए वाई प्लस जेड है, एक्स है, फिर 30 है, फिर एक्स है, मैंने ये वाई जेड इसलिए लिखा है कि करने में आसानी होगा काम, तो वाई है जेड है, दो बार एक्स था, एक बार 30 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो वाई की वैल्यू कितनी मैंने निकाला अभी 110, जेड निकाला मैंने 120, एक्स की वैल्यू एक्स तो पता ही नहीं था, एक्स कितना हो गया 2x प्लस का 30 540, अब 110 तो ये हो गया और 30 ये हो गया 140, तो यहाँ ऐड करके कितना ये हो जाएगा 260, अब क्या करना है 2x, ये किस में प्लस में, इधर क्या में आएगा माइनस में, तो 540 माइनस 260 ये कितना होगा, देखिए 0 होगा और ये 8 हो जाएगा, ये गया 4 में से 2, 4 में से गया 2 से 2 बचेगा, तो यहाँ इसके लिए कितनी आएगी 140 आएगा, ठीक है कितना आएगा 140, लैंग्वेज यहाँ पे लिखिएगा सम ऑफ एंगल ऑफ ए पेंटागन कितना 540। मैं ये आपको मैं इसलिए करके बता रहा हूँ, ये मैंने पिछले 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 वीडियो में मैंने कराया है, लेकिन मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ समझाने के ख्याल से। नेक्स्ट है डी में, देखिए ये डी वाला, एक कितने देखिए 1 2 3 4 5 5 है और सारे साइड्स क्या हैं बराबर है, मीन्स अगर ये एक्स है तो सारे क्या होंगे एक्स होंगे, क्यों अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी इसका क्या होंगे बराबर होंगे, तो टोटल कितने 5 है ना, तो 5 बार यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि 5x होगा, क्योंकि एंगल अगर साइड 5 है तो एंगल भी कितना होगा 5 बार होगा, पेंटागन है तो ये भी ए होगा 540 वाला, 1 2 3 4 5 ये 5x ये 540, इसको अपॉन में लेके आएंगे तो 540 अपॉन में 5 जगह 108 डिग्री। लैंग्वेज यहाँ भी लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज यहाँ भी लिखना पड़ेगा सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन इज 180 डिग्री। देखिए ये है रेगुलर पेंटागन, ये क्या है रेगुलर पेंटागन, क्योंकि इससे सारे लेंथ क्या है, ये पेंटागन तो है लेकिन ये रेगुलर नहीं, क्या ये है इरेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो ये रहे इससे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।